राम राम जी सारा ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस सांझ के सीढ़े पर फिर तो स्वागत करूँ। तो भाई आरपीएफ के अंदर रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स है उसके अंदर कॉन्स्टेबल यानी कि सिपाही और सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के पदों के ऊपर आपकी बम्पर भर्ती आ चुकी है। टोटल 10वीं पास 4660 नर और मादा इसके लिए अप्लाई कर सके हैं भाई। ठीक है, 3 महीने की आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊँ भाई। 3 महीने आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ कितनी गई थी प्रीवियस ईयर के अंदर उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या है इसका, एग्जाम पैटर्न क्या है, 5 बेस्ट आपको स्टडी टिप्स भी बताई जाएंगी। सारा का सारा सिस्टम आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। देख लो, अभी 2-3 दिन पहले ऐसे कहने लग रहे थे ना कई जने, एक वो कौन सा था, वो एड ऑफ प्रिंट मीडिया था, कौन था जिसने उन्होंने बताया फेक है। ठीक है, पूछना कहेगा नहीं मेरा। आगे बात समझ में, ओरिजिनल नोटिफिकेशन जारी हुआ है बिल्कुल कल ही, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखो क्या कुछ मामला है, क्या कुछ है, देखो भाई। देखो सबसे पहले तो अप्लाई करने की डेट इसकी कब, आप लोग कब से फॉर्म अप्लाई कर सको, 15 अप्रैल 2024 से है आप लोगों के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है, आपको कंप्लीट बताऊंगा, पूरी वीडियो देख के जाना कि भाई इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो आप लोग, कहाँ कहाँ से फ्री के अंदर, आपका कोई रुपया नहीं लगा, फ्री में आप लोग कौन से रिसोर्सेज से स्टडी कर सकते हो। लास्ट डेट कब इसकी, 14 मई 2024 से इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। मोटा मोटा ये समझो 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा भाई। ठीक है, एग्जाम की बात हो जाए भाई, अब एग्जाम इसका कब हो सकता है, एग्जाम देखो मई तक तो आपके फॉर्म ही भरे जाएंगे, तो आपकी ये समझो जुलाई या अगस्त के अंदर इसके एग्जाम की पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है, जुलाई या अगस्त के अंदर इसका एग्जाम होगा। अब है कॉन्स्टेबल के लिए उम्र कितनी, कॉन्स्टेबल के लिए 18 से 28 साल के 10वीं पास नर और मादा फॉर्म अप्लाई कर सके हैं। ठीक है, और एसआई के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 साल के नर और मादा। क्वालिफिकेशन क्या, कॉन्स्टेबल की 10वीं पास नर और मादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सके, 10वीं पास होने चाहिए नर मादा, और साथ में उम्र कितनी होनी चाहिए 18 से 28 साल के बीच में। एसआई के लिए कितने आपकी 20 से 28 साल उम्र और साथ में ग्रेजुएट होने चाहिए, ये इसकी क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भाई, ये चीजें तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम होनी ही चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या कुछ मैटर है, एप्लीकेशन फीस कितनी, एप्लीकेशन फीस आपकी ₹500 है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, बाकी जो अदर कैटेगरी बच गई और साथ में जो मादा कैंडिडेट बच गई, मादा प्लस अदर कैंडिडेट, इन सब के लिए मात्र ₹250 फीस लगेगी, इनसे ज्यादा फीस की वसूली नहीं की जाती क्योंकि ये मतलब कि कुछ समझ लो चाहिए। ठीक है, लेकिन नरों से ₹500 की और जो जनरल कैटेगरी उनसे ₹500 की ही वसूली की जाएगी, बाकी मादा और अदर कैटेगरी को छूट दे रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर। मेन चीज आपकी यहीं पर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी तैयारी कैसे करनी है। एग्जाम पैटर्न आपको देखो, इसके अंदर जिक्के है, जिक्के इसके अंदर सबसे ज्यादा आती है, टोटल आपकी 50 नंबर की, 50 क्वेश्चन आपके जिक्के के आने। ठीक है, और 50 नंबर की जिक्के आएगी। अब जो भी साथी मान लो दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के अंदर किसी कारण वह सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उस साथी के लिए भाई जमानु गजब का मौका है भाई, इसके अंदर आप लोग इजीली सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, जिक्के के आपके 50 क्वेश्चन आने हैं 50 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का है। मैथ के अंदर भी 35 क्वेश्चन आपके 35 नंबर के, रीजनिंग के अंदर भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके लिए आपको टोटल 90 मिनट का समय मिलेगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। खास बात क्या, जैसे एसएससी के अंदर क्या होता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसका मतलब है अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर 1/3, इसका मतलब है अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा भाई। ठीक है, तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का लेवल थोड़ा सा आई है, तो इस चीज के ऊपर भी गौर आपको फरमाना है। अब बात करते हैं भाई हम लोग इनकी तैयारी कैसे करें, उसके ऊपर बात करने पर फिजिकल देख लो, फिजिकल के लिए क्या क्या चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, हाइट नर कैंडिडेट को 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए भाई, नर कैंडिडेट की। ठीक है, चाहे सब इंस्पेक्टर हो चाहे कॉन्स्टेबल हो, मादा कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए अपनी नैप लियो, जैसे जो नॉर्मल होते हैं दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल सब इंस्पेक्टर उनके अंदर 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगते हैं, हरियाणा पुलिस के अंदर भी, लेकिन इसके अंदर 5 सेंटीमीटर की अलग से रिलैक्सेशन है, तो जिनकी हाइट छोटी है उनके लिए गजब का मौका है। चेस्ट कितनी, छाती नॉर्मल 80 सेंटीमीटर की छाती चाहिए और 5 सेंटीमीटर की फुल आउट दर्ज होनी चाहिए, मादा के लिए छाती का कोई प्रावधान नहीं है। रेस कितनी चाहिए, कॉन्स्टेबल के लिए सिपाही के लिए 1600 मीटर की दौड़ 5:45 के अंदर पढ़ने कॉन्स्टेबल के लिए। ठीक है, और मादा कॉन्स्टेबल के लिए 800 मीटर की दौड़ 3:40 में। अब रेस एसआई के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए नर कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ 6:30। देखो एसआई के लिए कितना भेदभाव होने लग रहा है, भाई 2 सितारे देवांगे, 2 सितारों के साथ छूट भी मिलने लग रही दौड़ के अंदर। मादा कैंडिडेट को एसआई के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट के अंदर पाड़नी है भाई। अब लॉन्ग जंप की बात करें, मैं नूलम बाज गया, अगर लंबी कूद पूरा डांक मारेगी। ठीक है, तो लंबी कूद यानी कॉन्स्टेबल के लिए कितनी, 14 फुट की लॉन्ग जंप मारनी भाई, 14 फिट की, इतनी आपकी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के अंदर होती सेम टू सेम। ठीक है, 9 फिट की लॉन्ग जंप मारनी मादा कैंडिडेट को। अब
एसआई के लिए लॉन्ग जंप आपकी 12 फीट की है, नर कैंडिडेट के लिए, मादा कैंडिडेट के लिए 9 फीट, मादा कैंडिडेट के लिए सेम रहेगी, एसआई और कांस्टेबल हो। हाई जंप आपकी ऊंची कूद भाई नु जंप लगा के ऊपर ना कूदना हुआ है, नर कैंडिडेट के लिए भाई कांस्टेबल में 4 फुट की, मादा कैंडिडेट के लिए 3 फुट की और एसआई के लिए 3 फुट 9 इंच मतलब 1 इंच की छूट दे रखी है, मादा कैंडिडेट की वही 3 की 3 फुट। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। अब देखो इसमें जो मेन जो आपका जो मेन जो सोर्स मतलब कि मेन जो पार्ट आपका वो है जीके का, जिसके अंदर आप लोग अगर जितने ज़्यादा स्कोर, क्योंकि मैथ रीजनिंग है ना, मैथ रीजनिंग के अंदर मैक्सिमम बच्चे हैं अच्छा स्कोर ही करेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग लगभग मैक्सिमम बच्चों को आता होता है और ये आपका एक तरीके से समझो कंसेप्चुअल बेस है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं मैथ के अंदर भी रीजनिंग के अंदर भी, तो आप लोग 35/35 और 35/35 स्कोर कर सकते हो और मैक्सिमम बच्चे भी करेंगे जिनका सिलेक्शन होगा। आगे बात समझ में, फंसते हैं बच्चे जीके के अंदर भी। अब जीके के अंदर कैसे स्कोर करें, तो देखो जीके के अंदर कभी भी आपके 50/50 नंबर आना इम्पॉसिबल है भाई, ठीक है। अगर किसी के आने लग रहे हैं तो ये समझो पेपर के अंदर सेटिंग बिठा रखी है, ठीक है, या फिर जमाए को यूपीएससी लेवल के बच्चे को बिठा लो, उसके भी 50/50 आने एक बार के लिए इम्पॉसिबल ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप लोग स्कोर कैसे कर सकते हो जीके के लिए, जीके के अंदर देखो आपको ना तो किसी की कोई बुक के अंदर अगर आप अपने हिसाब से बुक लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। अपने चैनल के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर है भाई एक प्लेलिस्ट है मैं बना दूंगा। अभी फिलहाल आप लोग डेमो के लिए क्या है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैंने क्लास ली थी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जिक्के की, ठीक है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी अपने चैनल को। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना तो उधर प्लेलिस्ट का ऑप्शन छपा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, उधर जाके आप लोग उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखना, दिल्ली पुलिस की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप लोग जिक्के की पहली वीडियो चला के देख लेना, ठीक है। आपका जितनी मर्जी करो उतनी चला, कोई सी भी चला के देख लेना, लेकिन एक बार पहली वाली जरूर देखना, ठीक है, जिसके अंदर मैंने शास्त्रीय संगीत के सारे घराने कर रखे हैं, घराने, ठीक है, सारे के सारे ट्रिक के माध्यम याद करवा रखे हैं। बच्चों के कमेंट देख लेना, आपको रिस्पांस का पता लग जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी होगी कि वीडियो देखने के बाद सिंगल वन बच्चा भी ये नहीं कह पाओ जी मेरा पर्सन याद नहीं हुए, ठीक है, या जी मुझे क्लास के अंदर मजा नहीं आया। अगर ये दो चीज किसी बच्चा ने कह देना भाई वीडियो का तलब जो जी मा वो कमेंट करके वो गाल लिख दियो, खुली छूट दे रखी इतनी। आगे बात समझ में, साथ में अभी एसएससी जीडी के लिए करवाई थी भाई, एसएससी जीडी के लिए भी प्लेलिस्ट बना रखी है स्पेशल, स्टैटिक जीके हिस्ट्री पॉलिटी सारी संपूर्ण, ठीक है, आप उसकी भी पहली वीडियो दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो जोन सा जिक्र वाली चला के देख लेना, उसके अंदर भी रिस्पॉन्स देख लेना बच्चों का कैसा लगे आपको, ठीक है। और बच्चों के एग्जाम के अंदर पर्सन भी फंसते हैं, इस चीज़ की भी अपनी गारंटी होती है। आगे बात समझ में, तो ये सारा सौदा जीके के लिए आपको और कहीं पर माथा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी अगर आप चाहते हो इंटरेस्टेड हो तो अपने चैनल के ऊपर पढ़ सकते हो, ठीक है, एक दो दिन के अंदर मैं लाइव क्लास शुरू कर दूंगा आपकी आरपीएफ की, ठीक है, आरपीएफ की, एसएससी की और साथ में आपका क्या नाम इसकी DSSB की, तीनों की है लाइव क्लास शुरू, क्योंकि DSSB का भी LDC का और MTS का एग्जाम होना है, एसएससी का भी आगे CPO का और फेज 12 का एग्जाम होना है और आरपीएफ का आप लोगों का ये एग्जाम होना है, तो इन तीनों के लिए कॉमन सीरीज चलेगी आपकी, ठीक है, जीके की, जिसके अंदर आप लोग मतलब कि बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाओगे। थ्योरी प्लस MCQ का हम लोग सिस्टम चलाएंगे, यूट्यूब के ऊपर ही चलेगा, ठीक है, थ्योरी प्लस MCQ आपको मतलब कि लाइव क्लासेस मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, रात को डेली 8 या 8:30 बजे अगर आप लोग मतलब यहाँ से, बाकी आप बुक से करना चाहो तो कोई भी बुक आप ले सकते हो, जैसे लूसेंट की बुक आती है या कोई भी बुकें आती है, आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हो, आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से बताने लग रहा हूँ आपको भाई, जो मेन पॉइंट है आप लोगों को वही करवाए जाएंगे क्लासेज के अंदर, ये नहीं फालतू की थ्योरी के अंदर ज्ञान बांटेंगे, नो, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है थ्योरी के अंदर से छाँट छाँट के वो आपको करवाया जाएगा, ठीक है। साथ के साथ आपको क्या नाम है भाई, जितने भी MCQ वो करवाए जाएंगे, स्पेशल आपका एक अलग से एक और टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा प्राइवेट, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों के पास स्पेशल MCQ क्वेश्चन आएंगे, एक बैच भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, स्पेशल जीके का, जिसके अंदर आपकी आरपीएफ के लिए मतलब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि भाई यूट्यूब के ऊपर तो लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है, और बाद में वो जो रिकॉर्डेड वर्जन होगा ना उस लाइव क्लास का वो ऐप के ऊपर डाल दिया जाएगा, मतलब किसी को अगर रिकॉर्डेड क्लास देखने है तो वो ऐप के ऊपर जाके देखो, लाइव देखने है तो यूट्यूब के ऊपर जाके देखो, ठीक है। फिर यूट्यूब के ऊपर जैसे मान लो मैंने 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक एक क्लास ले ली रात को लाइव, ठीक है, थ्योरी प्लस MCQ दोनों चीज करवाऊंगा उसके अंदर, यूट्यूब के ऊपर लाइव ले लूंगा, ठीक है, उसके बाद क्या लाइव खत्म होते उस क्लास को यूट्यूब से हटा दिया जाएगा, ठीक है, उसको फिर बैच के अंदर डाल दिया जाएगा, जो अपना बैच होगा रिकॉर्डेड बैच, ठीक है, उसके अंदर जाके बस स्कोर देखने हो उसको दोबारा देखना, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना तो वो वहाँ पर देख सकता है, लाइव देखना तो अपने यूट्यूब पर देख सकता है, वो आपकी चॉइस होगी। इस तरीके का मैं कुछ सोचने लग रहा हूँ खुराफाती, ठीक है, बाकी आप लोग बता देना आपको क्लासेस देखनी कैसे देखनी है भाई, आप YouTube के ऊपर छोड़ भी देंगे 2-3 क्लास, ना टेंशन लो, ठीक है, सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खैर जो एक दो दिन के अंदर आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे भाई कल या परसों में,
तो भाई ये सूचना आप लोगों को देनी थी, इस हिसाब से तैयारी करोगे तो मोटे मोटे समझो 3 से 4 महीने के अंदर अच्छे से तैयारी आप कर लोगे, ठीक है। मैथ रीजनिंग की तैयारी भी बता देता हूँ आपको, मैथ रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करनी है आपको, मैथ के लिए है आप जैसे कि कोई भी यूट्यूब से ही आप लोग कर सकते हो तैयारी, भाई किसी का बैच लेने की जरूरत नहीं। यूट्यूब से आप लोग किसी के भी मतलब कि एक प्रॉपर प्लेलिस्ट शुरू कर दो जिसके अंदर सारे टॉपिक सीरीज वाइज करवा रखे हो, आगे बात समझो, तो वहाँ से डेली मतलब मैथ की क्लास लगाओ, उसके नोट्स बनाओ, ठीक है, और उसको मतलब कि प्रॉपर तैयार करो, रिविजन मारो, मॉक टेस्ट लगाओ, इसी प्रकार से आपके रीजनिंग का होगा, ठीक है। तो भाई यही सूचना आप लोगों को देनी थी, सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेच जाओ भाई फटाफट।